हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 15। और आज हमारा पूरा फोकस एनिमल हस्बेंड्री पर होगा। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? इट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। जो भी जानवर हम पालते हैं उनको साइंटिफिकली ढंग से मैनेज करना, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। सिर्फ पालना ही नहीं, मैनेज करना। जिस तरह हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं, पानी हमारे पास, ठीक है, हम पानी को इस्तेमाल भी करते हैं, पीते भी हैं, नहाते भी हैं, मैनेज करते हैं और अपने जो है नेक्स्ट टाइम के लिए उसको बचा के भी रखते हैं। उसी तरह से एनिमल लाइफ स्टॉक को भी ढंग से रखना, उनकी ढंग से फीडिंग करवाना, ठीक है, उनको ढंग से पालना, केयरिंग करना और उनकी ब्रीडिंग करवाना, नेक्स्ट जनरेशन तैयार करना, इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहेंगे। ठीक है, सभी का फोकस बोर्ड पे होगा। एनिमल हस्बेंड्री मीन्स इट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइफ स्टॉक। और ध्यान रखना, एनिमल लाइफ स्टॉक में सारे वो जानवर आ जाते हैं जिनको हम पालते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में क्या क्या चीजें आती हैं? इट इंक्लूड्स क्या क्या चीज? प्रॉपर फीडिंग, ढंग से खाना खिलाना, प्रॉपर केयरिंग, ढंग से केयर करना और प्रॉपर ब्रीडिंग, उनकी नेक्स्ट जनरेशन तैयार करवाना, ये सब एनिमल हस्बेंड्री में आता है। ठीक है, तो ये है एनिमल हस्बेंड्री। क्या क्या चीजें हमें एनिमल से मिलती है? व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल लाइफ स्टॉक? जानवरों से क्या क्या चीजें मिलती हैं? सबसे ज्यादा मिलने वाली चीज क्या? मिल्क, गाय भैंस, ये सब मिल्क के लिए पाली जाती है। इसके अलावा शीप से हमें ऊन मिलती है, ठीक है, कुछ जानवरों को मीट के लिए भी पाला जाता है, ठीक है, जैसे चिकन है, हैन है, ठीक है। इसके अलावा मेडिसिनल भी होते, जैसे फिश है, उससे कोड लीवर ऑयल जो है वो हमें मिलता है, तो मेडिसिन भी मिलती है। हनी भी से हमें हनी मिलता है, सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिलता है, तो इन सबको पाला जाता है। ये डिफरेंट प्रोडक्ट हैं जो कि हमें एनिमल लाइफ स्टॉक से मिलते हैं। अब हम डिफरेंट जानवरों को पालेंगे। सबसे पहले आ जाओ कैटल पर। कैटल क्या होते हैं? चार पैरों वाले जो जानवर है ना, कि उनको कैटल कहते हैं, जैसे काउ, ठीक है, बफेलो, गोट, कैमल, शीप, ये सब के सब कैटल हैं, सारी की सारी चीजें पाली जाती हैं। ठीक है, इनको हम दो चीजों के लिए पालते हैं। कैटल जो है वो दो चीजों के लिए पाली जाती है, ठीक है, गाय, भैंस, बकरी, इनको मेनली दो चीजों के लिए पालते हैं। कुछ इनमें मिल्क के लिए पाले जाते हैं, उन्हें हम कहेंगे मिल्क एनिमल। मिल्क एनिमल। और कुछ ऐसे हैं जो काम करने के लिए पाले जाएं, दे आर नोन एज ट्रॉट एनिमल। मिल्क एनिमल जिनको हम दूध के लिए पालते हैं, क्या डेफिनेशन होगी इनकी? दीज आर द एनिमल्स विच आर फार्म। क्यों पालते हैं उनको हम? टू ऑब्टेन मिल्क, जिनसे हमें दूध मिलता है। और किन किन जानवरों से दूध मिलता है? काऊ,
सबसे ज्यादा बर्ड में जो है काऊ पाली जाती है, बफेलो। बफेलो ध्यान रखना सिर्फ एशिया में पाली जाती है, खासतौर पे इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन तीन चार देशों में। इसके अलावा गोट बकरी को भी दूध के लिए पालते हैं, और राजस्थान जैसी जगहों में कैमल को भी पाला जाता है, फीमेल कैमल को इस चीज के लिए दूध के लिए। कुछ जानवरों को हम काम के लिए पालेंगे, उनसे हम जो है लेबर करवाएंगे, उनको हम क्या कहेंगे, ड्रॉट एनिमल। दीज आर द एनिमल्स विच आर फार्म। क्यों पालते हैं इनको हम, विच आर फार्म टू डू एग्रीकल्चर वर्क। एग्रीकल्चर वर्क या लेबर काम के लिए पाल, सामान ढोवाए। एग्जाम्पल ऑक्स, ठीक है, इसी तरह से बुल, ठीक है, बुल तो नहीं लेकिन बुल को पाला नहीं जाता। इसके अलावा जो है कैमल, कैमल सामान ढोने के काम आता है। हॉर्स, डोंकी, ये सब के सब ड्रॉट एनिमल। इनको फिजिकल वर्क करवाने के लिए, लेबर करवाने के लिए या एग्रीकल्चर वर्क करवाने के लिए पाला जाता है, ठीक है। अच्छा, कैटल में दो मेन चीजें हैं, एक है काऊ और दूसरी क्या है, बफेलो, जिनको पाला जाता है। अब इनके साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखने हैं। साइंटिफिक नेम काऊ का क्या है, बोस, BOS, ऐसे लिखना है आपको, इंडिकस, बोस इंडिकस, इस तरह से, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम में हमेशा दो वर्ड होते हैं, ठीक है, ये पहला जीनस का नेम, ये इसकी स्पीशीज। और इसी तरह से बफेलो, इसका नाम है बोस बुबेरिस, ठीक है। अब इस पर ध्यान रखना, साइंटिफिक नेम जब भी लिखते हैं ये वाला वर्ड हमेशा कैपिटल होगा और ये वाला वर्ड हमेशा स्मॉल, तो ये मैंने गलत लिखा है, ध्यान रखना, इस आई को हमें स्मॉल देना। बोस इंडिकस ये काऊ का नाम है, बोस बुबेरिस ये किसका नाम है, बफेलो का, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है, बोस, मतलब दोनों जो है उनकी जीनस सेम। आपका एक चैप्टर आएगा सेवंथ, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, उसमें जीनस और स्पीशीज के बारे में आप पढ़ेंगे। दोनों की जीनस सेम है, मतलब दोनों में काफी सिमिलरिटी है, काऊ और बफेलो। तो ये जो है इनका बायोलॉजिकल नेम। एक डेफिनेशन और रह गई, लैक्टेशन पीरियड। अच्छा, क्या ये बताइए जो गाय या भैंस है वो हमेशा दूध देती रहती है, गाय भैंस बड़ी हो गई उसके बाद मरने तक दूध देते रहते हैं, नहीं, वो दूध देना तब स्टार्ट करते हैं जब उनका यंग वन पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है, चाहे गाय है या भैंस है या कोई भी जानवर है, ठीक है, जब उसका बच्चा पैदा होगा ना, यंग वन पैदा होगा, उसके बाद वो दूध देना स्टार्ट करते हैं। तो इनडायरेक्टली वो दूध किसके लिए है, उस गाय के बच्चे के लिए है, भैंस जो दूध दे रही है वो उस बच्चे के लिए। लेकिन वो दूध इतनी ज्यादा अमाउंट में होता है कि बच्चा दूध पी भी ले फिर भी वो दूध काफी ज्यादा है, इसलिए हम गाय और भैंसों को पालते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दूध उसके बच्चे को पिला दिया या उस बच्चे को खाना वाला खिला दिया, कुछ खाने का मतलब पिज्जा नहीं, ठीक है, घास फूस चारा वाला खिला दिया, और उसके बाद जो है जो गाय से या भैंस से दूध मिला वो हमने अपने प्रोडक्ट के लिए यूज किया, ठीक है। तो एक गाय या भैंस या कोई भी इस तरह के जानवर है वो दूध देना कब स्टार्ट करते हैं, जब उनके यंग वन होते हैं, और कब तक देते हैं, कब तक देते हैं, जब तक दूसरा यंग वन पैदा ना हो जाए, ठीक है, तब तक देते रहते हैं। इस टाइम पीरियड को हम लैक्टेशन पीरियड कहते हैं, जिस टाइम पीरियड में गाय या भैंस दूध देते हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, एक बच्चा पैदा हुआ उसके बाद उन्हें दूध देना स्टार्ट किया, जब नेक्स्ट बच्चा पैदा होने वाला होता है उससे 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, 1 महीने पहले गाय या भैंस दूध देना बंद कर देते, ठीक है। तो जितने टाइम तक उसने दूध दिया, जैसे 1 साल में उसने 10 महीने दूध दिया, तो उसका लैक्टेशन पीरियड कितने मंथ का हो गया, 10 मंथ का हो गया, ठीक है। तो लैक्टेशन पीरियड क्या होता है, इट इज द टाइम पीरियड
in which milk production take place by cattle. ठीक है, ये डेफिनेशन होगी लैक्टेशन के लिए, कहां से कहां तक, दैट इज फ्रॉम बर्थ ऑफ यंग वन. ठीक, जब ये यंग वन पैदा हुआ उसके बाद से नेक्स्ट यंग वन के बर्थ तक के टाइम पीरियड को हम क्या कहेंगे, लैक्टेशन के लिए. ठीक है, अब हमें गाय और भैंस पालनी है. ठीक है, इसको नोट करना है, वीडियो को आराम से पॉज करें, नोट कर लेंगे, ये फायदा है यूट्यूब का. ठीक है, गाय और भैंस पालनी है. ठीक है, हम गाय या भैंस ले आए, अब उनको क्या खिलाए हमें पता ही नहीं, ये थोड़ी कि उसके लिए जो है हम रोटी बनाएंगे, सब्जी बनाएंगे, उससे पूछेंगे आज क्या खाना चाहिए बली. ठीक है, उसको क्या खाना खिलाया जाए, जो भी कैटल होते हैं उनके दो खाने होते हैं. ठीक है, एक तो है रफेज और दूसरा है कंसंट्रेट. गाय भैंस को जो है घास फूस खिलाई जाती है वो रफेज है, जो कि उनको जिंदा रखने के लिए जरूरी है. ठीक है, लेकिन गाय या भैंस तो जिंदा ही तो नहीं रख रहे, हम उनको पाल रहे हैं तो किस चीज़ के लिए पाल रहे हैं, दूध के लिए. तो हमें उन्हें ऐसा खाना भी खिलाना होगा जिससे वो ज़्यादा अमाउंट में दूध दें. अगर हम उसको घास घास खिलाते रहे और दूध निकालते रहे, दूध में तो प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, तो उस काओ या बफेलो की बोन्स से, हड्डियों से वो कैल्शियम निकल निकल कर दूध में आने लग जाएगा, उसकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, उसकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, वो बेचारी मर जाएगी. ठीक, इसीलिए हमें उसकी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन और दूसरी चीजें भी देनी होगी, और ऐसे फूड को जिसमें हाई अमाउंट में न्यूट्रिशन होता है उसको हम कंसंट्रेट कहते हैं. तो कैटल के खाने में दो चीजें होती हैं, क्या, एक रफेज और दूसरा कंसंट्रेट. ठीक है, टॉपिक है हमारा कैटल फीड, किस तरह का उसका खाना. उसमें दो टाइप का है, एक तो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट जिसको हम रफेज कहते हैं. ठीक है, ये उनको जिंदा रखने के लिए और हेल्दी रखने के लिए जरूरी है. ठीक है, इट इंक्लूड्स, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इट इंक्लूड्स ड्राई फोडर, सूखा चारा जो होता है इसको हम टूडा कहते हैं, एंड ग्रीन फोडर हरा चारा. दो चीजें आती, क्यों दिया जाता है खाना उनको, इट इज गिवन टू कैटल सो दैट दे रिमेन हेल्दी, ताकि वो क्या रहे, हेल्दी. ठीक है, दूसरा खाना जो है वो है कंसंट्रेट, और कंसंट्रेट में वो चीज़ें आती हैं जो मिल्क प्रोडक्शन के लिए जरूरी है. ठीक है, रफेज तो मैंने बता दिया, रफेज में क्या आते हैं, ग्रीन पाउडर, ड्राई पाउडर, और कंसंट्रेट जो है उसमें सेकंड है कंसंट्रेट. इसमें क्या चीज़ें आएंगी, इट इंक्लूड्स एट न्यूट्रिशंस लाइक प्रोटीन एंड मिनरल्स. प्रोटीन होते हैं एंड मिनरल्स होते हैं, क्यों जरूरी है ये, इट इज नेसेसरी फॉर हाई अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ताकि वो ज्यादा अमाउंट में दूध दे सके. दो टाइप का उनका क्या हो गया, फूड हो गया, एक कंसेंट्रेट
जिसमें कि हाई अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं और दूसरा रफेज जिसके अंदर उनको बीमारियों से लड़ने के लिए या उनको हेल्दी रखने के लिए चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है, हम कंसनट्रेट में क्या चीज़ देंगे जिसमें हाई अमाउंट में प्रोटीन हो। अब प्रोटीन को इनके लिए तो नहीं कि हम गाय या भैंस को जो पनीर खिलाएं, हम उन्हें क्या देंगे, हम हमेशा जानवरों को वो चीज़ खिलाते हैं जो हम नहीं खाते। ये बात ध्यान रखना, जैसे जानवरों को हमने घास फूस खिला दी, हम नहीं खाते, हमने उनको खिला दिया, बदले में उनसे दूध हमने भेजा, दूध हम पी। इसी तरह से जो दाल है, ठीक है, दाल का जो छिलका है, चना हमने लिया, ठीक है, उसकी हमने दाल बना ली, छिलका बच गया चने का, वो छिलका हम जो है किसको दे देंगे, कैटल को, उसमें भी कुछ अमाउंट में प्रोटीन प्रेजेंट है। इसी तरह से कॉटन सीड जिसको बिनोला कहते हैं, ठीक है, उसका ऑयल निकलता है, वो ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं होता, कड़वा होता है, हम नहीं खाते, हम उसको सिर्फ जानवरों को खिलाते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो है हम जानवरों को खिलाते हैं, बदले में वो हमें क्या देते हैं, मिल्क देते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं। तो ये हो गया कैटल फीड। इसके बाद जहाँ पर उनको पाला जाता है, ठीक है, शेल्टर, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द फीचर्स ऑफ शेल्टर ऑफ कैटल, उसका शेल्टर कैसा होना चाहिए। ठीक है, ये बड़े साधारण से जानवर हैं, बड़े सिंपल हैं, सीधे हैं, इन्हें ज़्यादा महलों की जरूरत नहीं है। ठीक है, इनका शेल्टर कैसा होना चाहिए, इट शुड प्रोटेक्ट, शेल्टर ऐसा हो जो जानवर को प्रोटेक्ट करे, फ्रॉम कोल्ड, ठंड से बचाए, हीट से बचाए और रेन से बचाए। ये नहीं कि बारिश हो रही है और गाय उसे भीग रही है, वो भीगती रहेगी बेचारे तो दूध क्या देगी, या उसको ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, ऐसा जो है होना चाहिए शेल्टर उसका, जो कि उसको प्रोटेक्ट करे कोल्ड से, हीट से, रेन से। इट शुड बी एरी, हवादार होना चाहिए ताकि उसमें फ्रेश एयर आती रहे। प्रॉपर सैनिटेशन एंड क्लीननेस, सैनिटेशन, ठीक है, काउडंग पड़ा हुआ है, उसका यूरिन पड़ा हुआ है, वो बार बार साफ होता है, क्लीननेस, साफ सफाई होती है। ठीक है, के बाद प्रोटेक्ट द कैटल फ्रॉम अदर एनिमल्स, जो उसको दूसरे जानवरों से बचाए। ठीक है, ये नहीं कि हमने जानवर को खुले में बांध दिया, ठीक है, वहां पे कोई जानवर शिकार करने के लिए आ गया, उसको खा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उस जानवर को क्या करे, प्रोटेक्ट करें। ठीक है, और इसके अलावा जो है कौन कौन सी डिजीज होती है जिनसे हमारे कैटल सफर कर सकते हैं। हमने पाल लिया, अच्छा खाना भी खिलाया उसको, अच्छे तरह से हमने शेल्टर भी रखा, लेकिन फिर भी बीमारी हो गई, तो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं कैटल में। सबसे ज़्यादा होने वाली बीमारी है फुट एंड माउथ डिजीज। इस बीमारी में जानवरों के मुंह में छाले हो जाते हैं, पैरों में भी घाव हो जाते हैं, वो ना तो चल पाता ढंग से, ना खा पाता, कमजोर होता है। और ये ध्यान रखना, ये एक वायरल डिजीज है, वायरस से। इसके अलावा एंथ्रेक्स, ये भी कैटल में होता है, बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, ये वो डिजीज है जो मोस्ट कॉमन है इसके अंदर कैटल। इसके अलावा उनको सारी वो बीमारियां हो सकती हैं जो हम इंसानों में होती हैं भी, ठीक है, उनका भी ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, उनको भी गैस बन सकती है, ठीक है, वो भी तरह तरह की आवाजें निकाल सकती है गैस बनने पर, तो वो सारी बीमारियां उनको भी हो सकती है, ध्यान रखना सभी बच्चे। किस तरह से हम उनको डिजीज फ्री रखें, हाउ कैटल विद रिमेन डिजीज, हेल्दी उनको हम कैसे रखें,
पहला सबसे पहला सबसे मेन तो क्या है, प्रॉपर डाइट, ढंग से उनको खाना खिलाएं। ठीक है, प्रॉपर डाइट में वो डाइट बैलेंस होनी चाहिए, मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें हों, रफेज हो, प्रॉपर अमाउंट में कंसंट्रेट हो, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है दूध देने वाले जानवरों के लिए वो है कैल्शियम, क्योंकि दूध में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम प्रेजेंट होता है। नहीं, अगर हम गाय या भैंस से लगातार दूध दे रहे हैं तो उसकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मैंने बताया था आपको, और उसकी बोन्स कमजोर हो जाएगी, इसीलिए उसको हमेशा कैल्शियम दिया जाता है। ठीक है, गाय या भैंस को भी हमेशा कैल्शियम की बोतल पिलाई जाती है, 4 किलो की बोतल आती है, एक महीने में एक बार पिलानी पड़ती है ताकि उसकी बोन्स मजबूत रहे। दूसरी बात, प्रॉपर शेल्टर, उसका शेल्टर जो है वो अच्छा सा होना चाहिए। ठीक है, तीसरा प्रॉपर वैक्सीनेशन, बीमारियों से बचने के लिए उन्हें इंजेक्शन लगाना चाहिए ताकि ये बीमारियां उनको हो ही। ठीक है, इसके अलावा प्रॉपर क्लीननेस, साफ सफाई। ठीक है, जानवरों की रेगुलर बाथिंग, नहलाएं उनको। ठीक है, अगर सर्दियां हैं नहला नहीं सकते तो रेगुलर ब्रशिंग। ठीक, ब्रशिंग का मतलब दांतों पे ब्रश करने से नहीं, कोई सोचे सर पे ज्यादा ब्रशिंग करनी है, उसके मुंह पिला के आकर और ब्रश करने लग जाओ, उसके शरीर के ऊपर ब्रशिंग करनी है ताकि उसके एक्स्ट्रा हेयर्स वो रिमूव हो जाएं, ताकि उसके ऊपर जो डर्ट लगी है वो रिमूव हो जाए, इसीलिए हमें उनकी प्रॉपर क्लीननेस करनी होगी। ठीक है, और प्रोटेक्शन करनी होगी, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज़। अगर ये चीज हम रखते हैं तो हम अपने कैटल को ढंग से रख सकते हैं, उससे हम जो चाहे वो काम दे सकते हैं। तो ये सारा का सारा था इस चीज के बारे में, कैटल फार्मिंग के बारे में। अच्छा, एक चीज इसमें रह गई, इसमें भी जो है डिफरेंट टाइप के काउज हैं, देखना ध्यान से मैं बताता हूँ। ठीक है, एक तो है इंडियन ब्रीड जो हमारे इंडिया में पाई जाती है, और एक है एग्जोटिक ब्रीड विदेशी गाय। ठीक है, मेनली गाय पाली जाती है, तो हम गाय के बारे में स्टडी करेंगे। इंडियन ब्रीड, इंडियन ब्रीड जो है मेन है वो है रेड सिंधी, साहिवाल, ये दोनों सबसे ज्यादा गिर सबसे ज्यादा पाली जाने वाली गाय है। ठीक है, देखो देसी गाय कहती है, रेड सिंधी, साहिवाल, गिर, ये सब की सब। ठीक है, इनमें क्या खासियत है, क्या नुकसान है वो समझ लीजिए। पहले नुकसान देखिए, पहला नुकसान क्या है, लो मिल्क प्रोडक्शन, ये दूध कम देती है, 3-4 किलो दूध देती है। शॉर्ट लैक्टेशन टाइम, कम समय तक दूध देती है, मतलब 1 साल में 6 महीने दूध देगी, 6 महीने दूध नहीं देगी। ठीक है, ये दो इनकी कमियां है, दूध कम देती है। फायदे क्या है, डिजीज रेजिस्टेंट, बीमार नहीं पड़ती, और एक और फीचर क्या है इनका, समर एडेप्टेबिलिटी, हमारे इंडिया में बहुत गर्मी पड़ती है। ठीक है, ये अपने आप को गर्मियों के अकॉर्डिंग ढाल देती है, इन्हें प्रॉपर जो है लेस केयर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं। ये हो गई हमारी इंडियन ब्रीड, विदेशी गाय एक्सोटिक ब्रीड कौन कौन सी है ये, एक तो है ब्राउन स्विस, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, और एक है जर्सी, आप जगह का नाम सुना होगा न्यू जर्सी, ये जर्सी है जगह। ठीक है, ये दोनों एक्सोटिक ब्रीड, इनकी खासियत लार्ज मिल्क प्रोडक्शन, कितना दूध देती होंगी, लगभग ये एक दिन में 20 लीटर के आसपास या उससे भी ज्यादा। लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, ज्यादा टाइम तक दूध देती है, 1 साल में 10-11 महीने दूध देती।
ठीक है भी, लेकिन कमी क्या है, गेट मोर डिजीज, ज्यादा बीमारियां लग जाती हैं, ठीक है, कैन नॉट एडप्ट एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर सकती, हमारे यहाँ की गर्मियों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, इनको हमेशा कूलर चाहिए, भी ध्यान रखना गर्मियों को, मोर केयर इज रिक्वायर्ड, ज्यादा केयर जरूरी है, ठीक है। तो दोनों ही में कमियां आ गई है, तो इसने क्या किया, दोनों की क्रॉस ब्रीडिंग करा के हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की, इसको हम कहते हैं HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी, ठीक है। जैसे करन स्विस, ये करन बना है करनाल से, हरियाणा की जगह है करनाल, वहां की और ब्राउन स्विस की क्रॉस ब्रीडिंग की गई, करन स्विस बनी, इनमें खासियत दो, इसमें दोनों की खासियत होगी, ठीक है, लार्ज अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, ये दूध ज्यादा देती है, इनका लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा है, लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। समर में भी अपने आप को काफी हद तक एडप्ट कर लेते हैं, समर एडप्टेबिलिटी एंड लेस केयर इज रिक्वायर्ड, इतनी ज्यादा देखभाल हमें इनकी नहीं चाहिए, तो इनको हम हाई यील्डिंग वैरायटी या हाइब्रिड वैरायटी कहते हैं, ठीक है भी। और बफेलो की आपको एक ही वैरायटी याद रखनी है भी, वो है मुर्रा, सबसे ज्यादा जो है पाली जाने वाली भैंस यही होती है मुर्रा, काफी ज्यादा अमाउंट देती है। तो ये सारा का सारा था कैटल फार्मिंग के बारे में, आज आपने गाय या भैंस पालना सीख लिया भी, ठीक है, प्रैक्टिकल मेरे हिसाब से करने की जरूरत नहीं है, कभी सोचो कि जो है एक गाय या भैंस पाल के देखी जाए, ठीक है, आपको सिर्फ बुक इस लैंग्वेज में बुक में पालनी है ना, लेकिन सब चीज़ों को याद करके रखें, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास जो है वो आपकी कल होगी, टॉपिक को साथ साथ लर्न करें, ओके, थैंक यू।